तो क्रिस्पी कॉर्न लॉलीपॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं बॉयल्ड आलू। पोहे मैंने अच्छे से साफ कर लिए थे और इनको थोड़ी देर भिगो के रख दिया था। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब ये जो आलू हैं इनको मैं ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए इसको मैंने आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है ताकि इसमें कोई भी डेले ना रहे। ये बढ़िया फाइन हो गए हैं। अब इसमें धीरे धीरे हम सारे इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। ये मैं इसमें थोड़े से पोहे ऐड कर रही हूँ जो मैं पहले ही भिगा चुकी थी तो वो सॉफ्ट है। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं बट इसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी आ भी बहुत अच्छी रही है इसलिए मैंने ऐड किया। ये मैंने चीज़ को ग्रेट करके रखा हुआ है जो हमें फिलिंग के लिए लगेगा बाद में। और अब मैं इसमें ड्राई इन्ग्रीडियंट्स ऐड करूँगी। मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें जैसा नमक आप खाते हों। और अब इसके बाद मैं हाफ पिंच मैंने यहाँ पर हल्दी ऐड की हुई है और ये मैंने ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा ऐड किया है ताकि इसका बहुत अच्छा टेस्ट आए। और अब मैं इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। हाफ स्पून मैंने चाट मसाला ऐड किया हुआ है इसमें। अब ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब इससे पहले मैं इसमें डालूँगी कॉर्न। कॉर्न जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो डाल रही हूँ। बहुत ही बढ़िया बनते हैं ये क्रिस्पी कॉर्न लॉलीपॉप्स। अब ये इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मैश करके मैं इसका एक अच्छा सा डो बना लूँगी। ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है। और अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो कॉर्न फ्लेक्स लिए हुए हैं इसको मैं हल्का सा ग्राइंड कर लूँगी। आप चाहें तो बेलन से भी कर सकते हैं बट मैंने इसमें यहाँ पर मिक्सर में इसको हल्का सा ग्राइंड किया। ज़्यादा आपको पाउडर नहीं बनाना है। और ये देखिए इस तरीके से रहेगा ताकि जब हम इसको ऊपर से लपेट के फिर फ्राई करेंगे तो बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी टेस्ट आएगा। और अब मैं ये डो लेकर हाथ पे अच्छे से फैला रही हूँ। और अब इसमें ये मैं फिंगर के हेल्प से थोड़ा सा जगह स्पेस बनाऊंगी ताकि हम इसमें फिलिंग ऐड कर सकें जो कि है चीज़ की फिलिंग। आप चाहें तो थोड़े से कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो कॉर्न आलू में पहले से भी है लेकिन कई बार वो हम जब बाइंड करते हैं तो निकल जाते हैं। और ये देखिए इस तरीके से मैंने बना लिया। अब जो शेप आप चाहें वह बना सकते हैं। और अब ये कॉर्न का पाउडर मैं एक दूसरी प्लेट में डाल रही हूँ और अब मैं इसको इसमें रैप कर दूँगी। स्टिक्स मैं बाद में यूज़ करूँगी। पहले हम इसको सब सारी तरफ से इसमें कॉर्न अच्छे से लगा लेंगे। ये थोड़ा सा गीला ही रहता है आलू तो उसमें इजीली लपेट जाता है ये। लेकिन अगर आप चाहें तो आप कॉर्नफ्लोर में भी डिप बना के और फिर इसको लगा सकते हैं। वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। स्टिक्स मैं बाद में यूज़ करूँगी इसमें क्योंकि पहले अगर हम लगाएंगे तो ये अच्छे से लगेगा नहीं कॉर्नफ्लेक। ये देखिए इस तरीके से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। ये सब रेडी हो गए हैं हमारे। देखिए सारी तरफ इसमें कॉर्नफ्लेक्स अच्छे से लग गया है। और यहाँ मैंने पैन में ऑयल भी गरम कर लिया है और अब मैं इसको धीरे से डालूंगी। फ्लेम आपको मीडियम ही रखनी है, ज़्यादा तेज पे नहीं इसको बनाएं वरना जो कॉर्नफ्लेक्स हैं ऊपर से वो डार्क हो जाएंगे और अंदर से आपको आलू जो है वो कच्चा लगेगा। वैसे तो बॉइल्ड पोटैटो है लेकिन वो अंदर तक सिकना बहुत ज़रूरी है उसमें ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और जब बच्चे खाएं आप खाएं तो आप लोगों को वो चीज़ का फ्लेवर प्रॉपर आ सके। ये देखिए इस तरीके से मैं इसको सारी तरफ से सेक रही हूँ। ये बढ़िया रेडी हो गए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और कॉर्नफ्लेक्स की जो आउटर कोटिंग आप कभी भी किसी भी स्नैक के ऊपर लगाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बनता है वो, इसलिए आप उसको ज़रूर ट्राई करें। और अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितने बढ़िया रेडी हुए हैं ये। एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और किटी पार्टी बर्थडे पार्टी के लिए भी बहुत अच्छा स्नैक है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। यम्मी, मैं तो इसको खाने वाली हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।